शुक्रवार को हमीरपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा के मंत्रियों पर निशाना साधा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल में कोरोना फैलाने में कैरियर्स का काम कर रहे हैं। वे आइसोलेट होने की बजाय जनता से खुलेआम मिल रहे हैं, जिन पर सरकार द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं कुलदीप राठौर के इस बयान पर पलटवार करते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुलदीप राठौर तो स्वयं आइसोलेट हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के अलावा वरिष्ठ नेता भी पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हमीरपुर दौरे के दौरान भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों को कोरोना वाहक कहा है। कुलदीप ने कहा कि कोरोना महामारी के हिमाचल में दिन प्रतिदिन केसों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि भाजपा के मंत्री हिमाचल में आइसोलेट होने के बजाय कोरोना कैरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि जहां प्रदेश में सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हैं, जिस कारण प्रदेश में गम का माहौल है और प्रदेश के मंत्री पद मिलने पर जश्न मना रहे हैं। वहीं पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रही है। कंवर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे तो उसमें आइसोलेट हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के अलावा वरिष्ठ नेता भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अकेले ही चले हैं और उनकी सोच नकारात्मक है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायत चुनाव मई पर ही होंगे और इस बार के चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा। भोटा से कुछ दूरी पर मोरसू सुल्तानी के पास पिछले कल रात को सड़क क्रॉस कर रहे प्रवासियों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों प्रवासी बुरी तरह से घायल हो गए। एल्टो कार डिरमी टिक्कर से दोदोल की तरफ जा रही थी और मोरसू सुल्तानी के पास दो व्यक्ति मनोज और राजपाल कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये दोनों ही यूपी के रहने वाले हैं। वहीं चालक ही खुद दोनों प्रवासियों को बोटा हॉस्पिटल ले गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों प्रवासियों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी अजय सिंह चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिला हमीरपुर में पुलिस लाइन के पास सहायक केंद्रीय पुलिस कैंटीन खुली गई। कैंटीन के खुलने से जहां पुलिस कर्मियों में खुशी देखी गई, वहीं लोग भी काफी खुश दिखे। कैंटीन में लोगों की जरूरतमंद सभी चीजें उपलब्ध हैं। कैंटीन खुलने से सामान लेने आए हुए लोगों की काफी भीड़ भी देखी गई। आपको बता दें कि कैंटीन में सस्ता और लोगों की जरूरत का सारा सामान उपलब्ध है। कैंटीन में कार्यरत सुहास ने कहा कि जब से इस कैंटीन का शुभारंभ हुआ है, तब से इसी कैंटीन में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंटीन में सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है और कैंटीन की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। सीआरपीएफ से रिटायर मोहन प्रकाश ने कहा कि कैंटीन में लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। कैंटीन में जो भी सामान आता है वो सारा एक ही कमरे में लाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सामान लेने में भी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि कैंटीन का जो भी सामान आता है, उसके लिए अलग से स्टोर रूम की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंटीन में सस्ता और लोगों की जरूरत का सारा सामान उपलब्ध है। सीमा रानी ने कहा कि कैंटीन की व्यवस्था और काफी अच्छी हो, ताकि लोगों की जरूरतों का सारा सामान मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि पुलिस कर्मियों के लिए भी कैंटीन का प्रावधान किया गया है। जिला बिलासपुर में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। सरयाम बाजार में लोगों में दहशत का माहौल बरकरार है। हालांकि बिलासपुर एम्स में सबसे ज्यादा अब तक 51 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन यहां पर क्वारंटीन किए गए मजदूर बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिलासपुर की जनता इन मजदूरों से परेशान हो चुकी है। ना तो इन्हें प्रशासन का डर है, ना ही पुलिस का और ना ही इस महामारी का।
बिलासपुर के लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बिलासपुर का एम्स निर्माणाधीन हॉस्पिटल में अगर जल्द व्यापक इंतजाम सुरक्षा के नहीं किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा बिलासपुर शहर इस महामारी की चपेट में आ जाएगा। लेकिन इसमें रहते प्रशासन और पुलिस को व्यापक कदम उठाने होंगे ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके और इन क्वारंटीन किए गए मजदूरों पर लगाम कसनी होगी ताकि ये महामारी बाहर ना फैल सके।